नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत ही मजे में होंगे। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और एक और चीज़ आप मुझे प्लीज़ बताइएगा कि अगर आपको लगता है कि वीडियो में कुछ कमी है, कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ डू लेट मी नो। मैं उसके अकॉर्डिंगली अपनी वीडियोज़ को इन्हेंस करने की ट्राई करूँगी। और आज का जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो बलि है। हम लोगों ने सुना हुआ है कि हिंदू में ये माना जाता है कि बलि देना पाप है, बलि नहीं देनी चाहिए जानवरों की। और वहीं ऑन दी अदर हैंड मुस्लिम्स कम्युनिटी ऐसी हो है जिसमें बलि दी जाती है। इवन जब ईद आती है तो हर मुस्लिम के लिए ये मैंडेटरी होता है कि वो बलि दे। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है और क्यों ऐसा माना जाता है कि बलि नहीं देनी चाहिए या बलि देनी चाहिए? तो आज की जो हमारी वीडियो है वो देवकीनंदन ठाकुर और जाकिर नायक साहब का वीडियो है, जिसमें हम लोगों को देवकीनंदन ठाकुर जी बताएंगे कि बलि क्यों नहीं देनी चाहिए और डॉक्टर जाकिर नायक साहब अपने लॉजिक प्रेजेंट करेंगे जिसमें वो बताएंगे कि बलि देना हराम क्यों नहीं है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं उनका क्या कहना है इस टॉपिक के ऊपर। मेरी तरफ से पहले तो आपके प्रश्नों के उत्तर दे दूं, माइक दे दूं। आप पहला प्रश्न आपका क्या था, बलि क्यों देते हैं? बलि राजा भरत की, जो जड़ भरत हुए थे तो देवी ने उनकी बलि स्वीकार नहीं की। राजा प्राचीन वैरवी एक हुए हैं जो बहुत बलि देते थे, देवऋषि नारद ने उनको समझाया ये सब करना अनुचित है, पशु बलि जीव की बलि नहीं देनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग इस बात को मानते नहीं हैं और अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए बलि देते हैं। आप याद रखिए एक बात को कि भगवान, कोई भी देवी देवता किसी को मार के प्रसन्न नहीं हो सकता, कोई भी देवी देवता। एक जगह पर, एक आध जगह पर कोई अर्थ ऐसा आता है कि नहीं बलि अनिवार्य है, तो वहाँ हमारे आचार्यगण अब ऐसा बताते हैं कि अगर बलि देनी कंपलसरी है तो वो जो नारियल आता है उस पर उसकी आकृति बनाकर उसकी बलि दे देनी चाहिए, किसी जीव की बलि नहीं देनी चाहिए। क्योंकि जीव की बलि देने से भगवान और कोई देवी देवता प्रसन्न नहीं हो सकता। पहला आंसर, इसकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी। अभी मैंने जैसे राजा प्राचीन वैरवी की कथा सुनाई आपको, वो बहुत, उसने तो इतनी बलि दी थी कि पूरा आकाश पट गया था पशुओं से। इतनी बलि वो नर पशु पशुओं की बलि देता था वो। तो शुरुआत तो बहुत पहले से, कोई अभी कोई नई शुरुआत हम लोग नहीं कर रहे हैं। नहीं, लेकिन कलयुग में तो वर्जित बहुत सारी चीजें वर्जित हैं कलयुग में, लेकिन लोग नहीं मानते उस चीजों को। कलयुग में तो बहुत सारी चीज वर्जित हैं, ऐसे ऐसे चीज वर्जित है कि आप सोच नहीं सकते, लेकिन क्योंकि स्वार्थ की सिद्धि के लिए व्यक्ति मानता नहीं है। तो मैं अपने लोगों से, जो आप जैसे युवा लोग मुझे फॉलो करते हैं, उनसे एक ही बात कहूंगा, आपको बलि देने की कोई आवश्यकता नहीं। आप दिल से हाथ जोड़ के भी प्रार्थना करेंगे ठाकुर जी से तो आपकी प्रार्थना भगवान स्वीकार कर लेंगे। दूसरा प्रश्न था पूर्ण ब्रह्म है? कोई बन सकता है? देखिए, किसी को परेशान करना या किसी की हत्या करना मैंने गलत कहा गया है, ये मजहब इसकी इजाज़त नहीं देता। और जहाँ तक इस्लाम से मेरा ताल्लुक है और इस्लाम की मुझे जो तालीम है और जानकारी है, उसके अनुसार बेगुनाहों का कत्ल इस्लाम में भी वर्जित है। इस्लाम कहीं भी किसी भी सूरत में बेगुनाहों को कत्ल करने की इजाज़त नहीं देता। अगर आप मेरे सवाल का बखूबी और मेरे जहन में जचने वाला सवाल है ये जवाब दे दें तो मैं भी आपका मुरीद बन जाऊंगा। यूं तो मुरीद हूं ही, लेकिन फिर मुरीद बन जाऊंगा कि इंसानों को सबसे ऊंची श्रेणी में रखा गया है जहां तक मैं जानता हूं। और मैं जब करीब अपने कई मुसलमान इंटेलेक्चुअल्स दोस्तों से सवाल करता हूं कि सब कुछ मिलता है मगर आप बलि क्यों देते हैं, आप वध क्यों करते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये चीजें मुसलमानों को इस्तेमाल के लिए दी गई है। मैं इस पे क्लेरिफिकेशन चाहूंगा डॉक्टर साहब का, आपका क्लेरिफिकेशन चाहूंगा, मैं इस सवाल का जवाब चाहूंगा आपसे। वालेकुम सलाम भाई साहब, आपकी सलामती हो। मैंने सवाल किया है कि वो पीस टीवी माशाल्लाह काफी वक्त से देख रहे और वो कहते हैं कि हर मजहब में कहा गया है कि कत्ल करना, इंसान की जान लेना गलत है, हराम है। हिंदू मजहब में कहा गया है और इस्लाम में भी, जैसे उनकी जानकारी सही है कि बेगुनाह का कत्ल करना हराम है, वो ये पूछते हैं कि बलि कहाँ तक सही है। बलि का मतलब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप ये पूछना चाहते, मतलब जैसे हम लोग कुर्बानी के टाइम में
मेरा यही सवाल है, जाति सवाल यही है मेरा। अगर इस सवाल का जवाब देंगे तो मैं तो आपका मुरीद हूँ, लेकिन फिर से और पक्का मुरीद बन जाऊंगा। भाई साहब ने कहा कि आप लोग कुर्बानी क्यों देते हैं, और ये कुर्बानी का जो सवाल है कि हम ईद उज़ुहा बकरीद में कुर्बानी क्यों देते हैं। कुरान मजीद अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह हज में सूरह नंबर 22 में कि ना ही गोश ना ही खून अल्लाह को जाता है। अल्लाह को ना खून की जरूरत ना गोश की जरूरत। ये कुर्बानी के वक्त अल्लाह को खून नहीं जाता ना गोश जाता है। लेकिन तकवा, आपकी पायटी, आपकी परहेजगारी अल्लाह को पसंद है। आप अगर देखेंगे कि ईद उज़ुहा के बारे में क्यों हम कुर्बानी करते हैं, और वाकया जानेंगे इब्राहिम अलैहि सलाम का, कि इब्राहिम अलैहि सलाम को अल्लाह सुबहाना व तआला ने, उस वक्त बुत परस्ती बहुत आम थी और कुर्बानी इंसानों की बहुत आम थी, और हिंदुस्तान में भी आम है। आज भी हिंदुस्तान में कई दिगर मजाहिब में लड़कियों की कुर्बानी दी जाती है, बच्चों की बलि दी जाती है। क्या आप छोटे बच्चे का कत्ल करो, औरत का कत्ल करो, बलि दे जाओ और भगवान खुश हो जाएंगे? कई जगह, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान में नहीं है। तो उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पूछा कि आपको सबसे ज्यादा अजीज इस दुनिया में क्या चीज है? तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा। तो उन्होंने पूछा कि आप अपने बेटे की कुर्बानी दे सकते, अपने पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बेटी कुर्बानी दे सकते? तो वो चौंक गए, और अल्लाह के पैगंबर थे, उन्होंने ना कि बेटे से कहा। बेटे ने कहा बेशक अल्लाह के लिए आप मेरी कुर्बानी दे सकते, आप अपने आँख पे पट्टी मानना। जैसा अल्लाह ताला फरमाते इस दुनिया में अल्लाह ताला हमारा इम्तिहान ले रहे, तो अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहे अपने पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। अल्लाह ताला ये भी जानते कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जवाब क्या देंगे, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने आँख पे पट्टी मारते और जिस तरीके से हुक्म आता है अपने बेटे की कुर्बानी देने जाते। उस वक्त ही एक भेड़, गोट या शीप आ जाता है और उस शीप की कुर्बानी हो जाती। तो उस चीज को याद रखने के लिए आज भी मुसलमान बकरीद के टाइम पे ईद उज़ुहा के वक्त जानवर की कुर्बानी देते, ये याद दिलाने के लिए हमें, क्योंकि ये अल्लाह सुबहान व तआला की तरफ से अपने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उसकी बात मानते। लेकिन अगर मैं सोचूं दिमाग से क्यों, तो ये सोच सकता हूं कि ये हमें याद दिलाने के लिए, क्या अल्लाह को इंसान की कुर्बानी की जरूरत नहीं, इंसान के जान लेने की जरूरत नहीं? तो जो आज दुनिया भर में आज भी हो रहा है कि बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, औरतों का कत्ल किया जा रहा है, बलि पे चढ़ाया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। और दोनों में आप देखेंगे फर्क, अगर कोई दूसरे मजहब में, हिंदू मजहब लो या दिगर मजहब लो, अगर कोई जानवर की बलि चढ़ाई जाती है तो उधर ही रख दिया जाता है, और अक्सर वो फजूल हो जाता है, हो सकता है कभी कोई चुपके से आके खा ले। इस्लाम में जब कुर्बानी दी जाती है ईद उज़ुहा के टाइम पे, सबसे पहले जो मैं कह रहा हूं कि मेरी मंतिक ये समझ सकती है कि हमें ये याद दिला रहे कि इंसानों की बलि चढ़ाना हराम है। और जब हम याद दिलाते हैं, जब बकरा काटते या जो भी काटते हैं जानवर, इस वक्त जब हम काटते हैं, हम अल्लाह का नाम लेके काटते हैं, और जो भी जानवर की कुर्बानी देते उसके तीन हिस्से कर सकते हैं। एक हिस्सा हम खुद रख सकते हैं, खुद के इस्तेमाल में ला सकते, एक तीसरा हिस्सा, दूसरा हिस्सा हमें हमारे रिश्तेदार में बांटना चाहिए, और तीसरा हिस्सा गरीबों में बांटना चाहिए। जब कुर्बानी दे रहे हम उस जानवर का इस्तेमाल कर रहे, जानवर खाना अलाउड है क्या ना, वो एक अलग बहस है, जिसके ऊपर आप पूछे तो वो जवाब अलग है कि जानवर खाना सही है क्या गलत है, वो एक अलग डिबेट है जो अभी नहीं, अगर आप पूछना चाहे तो अगला सवाल पूछ सकते हैं। एक तीसरा हिस्सा हम इस्तेमाल कर रहे, एक तीसरा हिस्सा हम दोस्तों में बांट रहे, हमारे रिश्तेदार में, और तीसरा हिस्सा हम गरीबों में बांटते। तो इनमें गरीबों का फायदा हो रहा है ना, फजूल खर्ची हो रही है, और याद दिलाया जाता है कि इंसानों का कत्ल करना गलत है। तो ये अच्छी चीज़ है जब बलि, जैसा देखे बाकी मजाहिब में क्या हो रहा है, इंसानों का कत्ल किया जाता है बिल्कुल हराम है, उसके अलावा जब जानवर का भी कत्ल करते हैं वो जानवर फजूल खर्ची में जाता है। इस्लाम में हमें याद दिलाया जाता है, और
कुरान मजीद में लिखा है सूरह माईदा सूरह 5 आयत नंबर 1 में और सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 5 में कि जो जानवर आपके लिए हलाल है वो खा सकते हैं, जो चौपाया है। खाली वो जानवर मत खाओ जो आपके लिए हराम है, जो हलाल है वो खा सकते। तो ये खाने के लिए हमारे खुराक है। तुम कुर्बानी के वक्त ना कुछ जाया कर रहे, ना पैसे की बर्बादी कर रहे। हमें याद दिलाया जाता है क्या, ना खुदा को गोश जाता है, ना खुदा को खून जाता है, खुदा को तकवा जाता है। हमारा तकवा, हम कितने परहेजगार हैं। और साथ साथ इसका इस्तेमाल होता है, एक तिया हिस्सा मैं खाता हूँ, रिश्तेदारों में बांटता हूँ, और आखिरी तिया हिस्सा मैं बांटता हूँ गरीबों में। तो इससे फ़ायदा होता है, तो इसमें क्या गलत है? बनिस्बत दूसरे मजाहब में आप देखेंगे इसमें नुकसान ही नुकसान है। इंसान का कत्ल हो रहा है और जानवर को भी अगर बलि चढ़ाई जाती है तो फजूल खर्ची होती है। बनिस्बत इस्लाम में बकरी ईद के अंदर फ़ायदा ही फ़ायदा है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। बहुत खूब, आपने ये बहुत अच्छा फरमाया, मैं आपके जवाब से काफ़ी संतुष्ट हूँ। और जाते जाते एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा कि अहिंसा को इस्लाम किस नज़रिए से देखता है? अहिंसा को इस्लाम किस नज़रिए से देखता है? मैं सबका आखिरी सवाल है कि अहिंसा को इस्लाम किस नज़रिए से देखता है? आम तौर पे हिंसा हराम है। इस्लाम आता है लफ सलाम से, इसके मानी है सलामती, अमन, शांति। इस्लाम के मानी है कि शांति हासिल करना अपनी ख्वाहिश, अल्लाह का जो पैगाम है उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करना और अमन हासिल करना, उसे कहते हैं इस्लाम। हिंसा आम तौर पे हराम है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे हम देखते हैं हर देश में कानून है, कानून है कि चोरी मत करो, किसी का कत्ल मत करो, लेकिन कानून के अलावा पुलिस भी है कि अगर कोई कानून को फॉलो नहीं करता है, कोई चोरी करेगा तो पुलिस उस वक्त ज़बरदस्ती कर सकती है, पुलिस फोर्स का इस्तेमाल कर सकती है, पुलिस कभी कभी हथियार का इस्तेमाल करती है अमन और शांति बरकरार रखने के लिए देश में। उसी तरीके से इस्लाम में हिंसा आमतौर पर हराम है, लेकिन हर इंसान शांति नहीं चाहता है। कुछ इंसान जो अशांति चाहते हैं और जो अल्लाह का फरमान पे अमल नहीं करते और शांति को भ्रष्ट करना चाहते, उस वक्त इस्लाम इजाजत देता है कि आखिरी मरहले पे आप हिंसा का इस्तेमाल कर सकते शांति लाने के लिए, हिंसा का इस्तेमाल कर सकते शांति लाने के लिए, खुद के फायदे के लिए नहीं। इसीलिए आम तौर पे जितने भी आपने देखे होंगे जो जंग अल्लाह के रसूल लड़ी, अक्सर वो था सेल्फ डिफेंस में। अगर कोई चोर मेरे घर में घुसता है और मेरी बेटी से बदतमीजी करता, मैं क्या कहूंगा? मैं हिंसा में मानता हूं, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। भाई मेरी चुड़िया नहीं पहना होगी हाथ में, मुसलमान हूं लेकिन चुड़िया नहीं हाथ में पहना हूं। आपके घर में कोई चोर घुसता है और आपकी बेटी से बदतमीजी करता, आप क्या करेंगे? जी हाँ, मैं मुकाबला करूंगा। मुकाबला करेंगे, हाथ भी उठाएंगे ना। इस तरीके से हिंसा का इस्तेमाल आखिरी मरहले पे अगर दूसरा कोई चारा नहीं है तो इस्तेमाल किया जा सकता है हक के लिए, ना हक के लिए नहीं। दूसरे को तकलीफ पहुंचाने के लिए गलत है, दूसरे का माल हड़प करने के लिए हराम है, लेकिन खुद के बचाव के लिए या अमन हासिल करने के लिए हिंसा का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन असल में इस्लाम आता है लफ्ज सलाम से, जिसके मानिए सलामती, अमन, ताकि दुनिया में सलामती पहुंचे। बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। फिर एक बार मैं अब तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। चाहता हूं कि आप खुदा हाफिज। एक खुदा में मानते? मैं एकदम एक खुदा को नहीं, मैं अपने अंदर में बैठे ब्रह्म को मानता हूं। मेरी अपनी अलग सोच है, मैं किसी मंदिर में नहीं जाता हूं, ये बात नहीं है, जाता हूं, लेकिन मेरी अपने अंदर की आवाज है कि इंसानों की खिदमत करो, इंसानों की इज्जत करो और भटके हुए को राह दिखाओ। मेरा भी यही है। और मैं किसी इंसान में, हिंदू हो चाहे मुसलमान, मैं इस खुले मन से आगाज करता हूं, मैं किसी से भी भेदभाव ना आज तक किया है ना कभी जिंदगी में करूंगा। मेरे लिए इंसान जो पैदा किया है वो ऊपर वाले ने, वो सभी एक हैं और एक रहेंगे। आपने फरमाया कि इंसान की खिदमत करना चाहिए, इंसान की मदद करना चाहिए, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप एक खुदा में मानते हैं? आपने कहा, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपने तकरीर सुनी मेरी पीस टीवी पे, आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? नहीं, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि हमारा खुदा एक है और एक ही ताकत है जो पूरे सभी संसार को, पूरे यूनिवर्स को, पूरे
बात तो बहुत कहने की है लेकिन ये समय और वक्त का तकाजा है। बिल्कुल, समय का तकाजा होने की वजह से मैं आखिरी चीज कहूंगा आपसे भाई साहब कि आपने पीस टीवी पे इतनी तकरीर सुने, आप कहते हैं कि भगवान है कि मैं उसमें मानता हूं, लेकिन यही भगवान ने चाहे बाइबल में हो, चाहे वेद में हो, चाहे कुरान में हो, सारी धार्मिक किताबों में कहा गया है कि आखिरी आने वाले पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में और उसमें मानना चाहिए। तो मेरी आपसे ये दरखास्त है कि आप इतने अच्छे इंसान है माशाल्लाह, एक आखिरी मेरी ख्वाहिश है कि आप इंशाल्लाह इस पर तहकीक करो और ये जब आप एक भगवान में मानते हैं, दूसरे इंसानों को तकलीफ नहीं देना चाहते, तो भगवान ये भी कहते हैं कि आखिरी पैगंबर कौन है, उस पर तहकीक करो, इंशाल्लाह आप मुकम्मल अच्छे इंसान बनेंगे। तो अगेन बहुत ही अच्छा वीडियो, और जैसे कि हमें पता है कि हिंदू धर्म में भी पहले बलि दी जाती थी लेकिन टाइम के साथ साथ में आके अब क्या हो गया कि बलि देनी मतलब बहुत कम हो गई है और कई जगह तो देते ही नहीं। ये विश्वास किया जाता है कि उस भगवान को बलि क्यों देनी, वो कौन सा भगवान है जो कि बलि वगैरह से या किसी बेजवान जानवर की मौत से खुश हो जाएगा। तो इसीलिए वो अब जो बलि देने वाला सिस्टम है बहुत कम हो गया है, लेकिन अभी भी जो देवी काली है उसके सामने कई जगह पे बलि दी जाती है। ऑन दी अदर हैंड जो मुस्लिम्स हैं उनमें अभी भी बलि देना कंटिन्यू है, और जो बलि देने के बाद में जो गोश होता है वो सिर्फ अपने घर पे नहीं रखते, वो सब जगह डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, अपने नेबरहुड में भी देते हैं, फ्रेंड्स को भी देते हैं, और जो गरीब लोग हैं उनको भी बांटा जाता है। तो अल्टीमेटली ये भी एक अच्छी चीज है कि आप गरीबों में भी सदका दे रहे हो, क्योंकि ये तो हर रिलीजन मानता है कि अगर आपको दान करना है तो गरीबों को दान करो। मतलब अगर आप मंदिर मस्जिद में जाके भी दान दे रहे हो तो उससे तो अच्छा है कि आप किसी गरीब इंसान की मदद कर दो या उनको खाने के लिए दे दो, तो वो सबसे ज्यादा बड़ा दान माना जाता है। मतलब ऐसा कहते हैं और मैं भी खुद मानती हूँ कि अगर आपको किसी बहुत बड़े मंदिर है जहाँ पर ऑलरेडी लाखों लोग गोल्ड भी डोनेट कर रहे हैं, चढ़ावा भी चढ़ा रहे हैं, उससे तो अच्छा है कि आप किसी गरीब की मदद कर दो, उसके घर में दो दो टाइम का खाना आ जाएगा आपकी मदद करने से, तो वो बल्कि ज्यादा अच्छा है। तो इस वीडियो में हमें पता चला कि मतलब हिंदू रिलीजन में और मुस्लिम रिलीजन में दोनों में ही स्टार्टिंग से ही बलि का कंसेप्ट था, लेकिन हिंदू रिलीजन में टाइम के साथ साथ पे वो चीज बंद हो गई है या बहुत ही कम हो गई है, लेकिन मुस्लिम रिलीजन में अभी भी बलि दी जाती है। तो ये स्टार्टिंग से ही चला आ रहा है, और बीच में आकर अगर कोई चेंजेस हो जाते हैं तो उस चेंजेस की वजह से हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हम तो कभी करते ही नहीं थे। हमें वो चीज एक्सेप्ट करनी चाहिए कि हाँ हमारे रिलीजन में भी ये होता था लेकिन अब होना बंद हो गया है, और उस चीज को लेके अननेसेसरली आर्ग्यूमेंट या बहस नहीं करनी चाहिए। तो अगेन बहुत ही अच्छा वीडियो है।